हेलो एवरीवन वेलकम टू अर क्लास ऑफ एसफा बीकॉम थर्ड सेमेस्टर आवर टॉपिक इज गोइंग ऑन अ माल ऑफ़ फॉर्म टू वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर नाइन विद क्वेश्चन एंड आंसर्स इसके पहले के वीडियो यहाँ आई बटन में चेक करें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखे वहाँ चेक करें क्वेश्चन नंबर वन से लेके नाइन आज जो हम कर रहे हैं ये टोटल समय इंट्रोडक्शन के साथ पूरा चैप्टर आप देखेंगे तो ये आपको एमाल ये जो चैप्टर है बहुत आसानी से और सिंपली समझ में आएगा तो आज जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर नाइन ये लास्ट सम है इसके बाद हम पीसमिल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ कैश करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ नाइन क्या कहता है बैलेंस शीट ऑन दिया हुआ है दो कंपनी है अमित और सुमित एसेस हैं और इनके लाइबलिटीज़ हैं अमित कंपनी में दो पार्टनर है अमित और सुनील अमित और अनिल और सुमित कंपनी में दो पार्टनर है सुमित और सुनील लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर है लोन लोन सिर्फ अमित कंपनी के पास है फिर आगे क्वेश्चन कहता है कि द फॉर्म डिसाइडेड टू अ दे एग्रीड द फॉलोइंग वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स तो एसेट्स को रिवैल्यूट किया गया गुडविल बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट स्टॉक और आर डी डी यानी डेटा से आपको माइनस करना है और फिर आगे एडजस्टमेंट बोलता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन अमिट टू कोवर द लोन इसका मतलब है ये जो लोन है ये पी सी यानी परचेज कंसेडरेशन में नहीं जाएगा या आपको ओल्ड फॉर्म में इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी जर्नल एंट्री बताया था मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो इसको याद रखना है कि आपको परचेज कंसिडरेशन में लोन को नहीं लेना है फिर द कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म इज टू लैक एंड द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर्स शाल बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वन वन थ्री थ्री द डिफरेंस इफ एन ई शुड बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट ठीक है दो ही ट्रांसफॉर्मेशन uh, है या तो कैश में या तो करंट में तो कैश के भी सम हो चुके हैं करंट के भी सम हो चुके हैं आज करंट में एडजस्टमेंट करेंगे और एक चीज यहाँ पे गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं हो रहा है उसको भी ध्यान देना आपको लास्ट में बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ द फर्म यानी रियलाइजेशन पार्टनर्स न्यू फर्म दोनों की बुक में बनेगा फिर लास्ट में बैलेंस शीट बनेगी बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा करंट अकाउंट में और एक चीज गुडविल भी रिटर्न ऑफ नहीं है उसको भी ध्यान दें अब इसके बाद ये देखना है कि कौन से एसेस रह गए और कौन सी लाइब्रिटीज रह गई गुडविल नहीं है बिल्डिंग है इन्वेस्टमेंट है स्टॉक है डेटर के बारे में ऑडिट है बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है बच्चों और इन फर्नीचर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है इसका मतलब इसको आपको बुक वैल्यू एज इट इज परचेस कंसिड्रेशन में लिखना पड़ेगा सेम वे लाइब्रेटी में लोन के बारे में बोल दिया था कि भाई ये तो ओल्ड फॉर्म ले रहा है यानी सिर्फ बचा क्रेडिटर तो क्रेडिटर भी लाइब्रेटी में आएगा, आएगा आपका परचेस कंसिड्रेशन के हेडिंग के अंदर ठीक है बुक वैल्यू एज इट इज़ कॉपी करेंगे होप सो क्वेश्चन समझ में आ रहेगा अब चलते हैं हमारे परचेस कंसिड्रेशन की तरफ क्वेश्चन यहाँ पे है ऑलरेडी तो सबसे पहले परचेस कंसडेशन में सारे एसेट लिख लेते हैं गुडविल से स्टॉक यहाँ पे पूरा कॉपी कर लेते हैं टोटल कॉलम आप बनाए ताकि आपका बैलेंस शीट आपके लिए ईजी हो जाए फिर आर डी टी है आर डी टी तो हम लाइब्रेरी के हेडिंग में लिखते हैं यानी डेटर एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी हो जाएगा थर्टी टू सिक्सटी टू और फिर आर डी टी फाइव फाइव परसेंट दोनों पे कैलकुलेट कर लेंगे लाइबिलिटी के हेडिंग के अंदर सोलह सौ और इकतीस सौ फिर इसके बाद मैंने कहा था फ़र्नीचर और बैंक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बैंक फर्नीचर यहाँ कॉपी कर लेते हैं और सेम वे क्रेडिटर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे क्रेडिटर और लोन लेना नहीं है क्योंकि लोन कौन लेके जा रहा है ओल्ड फॉर्म लेके जा रहा है इससे लोन आएगा नहीं यानी परचेस कंसिड्रेशन कंप्लीट हुआ हमारा अब एसेस का टोटल करेंगे और फिर लाइबिलिटी का टोटल करेंगे और दोनों को माइनस करेंगे तो आपका परचेज़ कंसिडेशन आ जाएगा वन ट्वेंटी फोर फोर हंड्रेड वन फोर्टी एट थ्री हंड्रेड एंड टोटल आपके लिए ऑफिस बोल रहा हूँ बैलेंस शीट के लिए आपको काम आती है तो टोटल इसको लिए करना ज़रूरी है ताकि बैलेंस शीट फटाक से बन जाए तो पर्चेस कंसिडेशन आ चुका है तो अब हम चलते हैं अमित कंपनी और सुमित कंपनी के रियलाइजेशन वगैरह बनाने के लिए तो सबसे पहले अमित कंपनी की बात करेंगे अमित कंपनी में रियलाइजेशन बनेगा कैपिटल न्यू फॉर्म ठीक है और ओल्ड फॉर्म बना रहे हैं तो ओल्ड बैलेंस शीट यहाँ ले लेते हैं ओल्ड बैलेंस शीट पहले अमित का कॉलम पूरा लिखेंगे एसेट एज इट इज कॉपी करेंगे बिल्डिंग से लेके बैंक तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डैश है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं लिखना है बाकी सब एज इट इज लिखना है टोटल फिगर आपको यहीं से ले लेना है फिर आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले है कैपिटल ट्वेंटी सिक्स कैपिटल कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉड डाउन आफ्टर कैपिटल लाइबिलिटी है हमारी इक्कीस बारह दो लाइबिलिटी है क्रेडिट और लोन की फिर और कोई एंट्री है ही नहीं हाँ एक चीज़ था क्या था यहाँ पे लोन हमें पी में नहीं लेना था कौन लेके जा रहा था लोन अमित क्वेश्चन यहाँ बता दूँ देखो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन था अमित टुक ओवर द लोन liability टेकन बाय द पार्टनर यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो रियलाइजेशन में आप डेबिट साइड लिखेंगे टू अमित कैपिटल ब्रैकेट में बताएं ये लोन है आपका उसके बाद कैपिटल अकाउंट में जाएं क्रेडिट साइड लिखें बाय बाई अकाउंट बारह हजार अमित के कॉलम में अब सारी एंट्रिया हो गई अब तो पीसी लेना पड़ेगा पीसी की एंट्री क्या आती है न्यू अकाउंट अकाउंट टू रियलाइजेशन इसके बाद सारे एडजस्टमेंट हो गए तो आप रियलाइजेशन बंद कर लेते हैं क्रेडिट साइडी बढ़ाए वन फिफ्टी सेवन नाइन हंड्रेड अब क्रेडिट को डेबिट से माइनस कर लें तो आपका प्रॉफिट फिगर आ गया और रेशो ओल्ड फॉर्म का नहीं दिया था इसलिए इक्वल रेशो लेना है आपको आपको जो रेशियो दिया गया था वो न्यू फॉर्म का था वन वन थ्री थ्री ठीक है तो ओल्ड फॉर्म का रेशियो नहीं है तो वी हैव टू अज्यूम इक्वल रेशियो तो ट्वेंटी सिक्स टू हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स टू हंड्रेड और फिर अब इसको शिफ्ट कर लेंगे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड अपोजिट साइड हमेशा जाता है अब कैपिटल अकाउंट बंद करेंगे क्रेडिट साइड ही बड़ा है क्योंकि डेबिट में कुछ है ही नहीं तो क्रेडिट का टोटल दोनों साइड लिख लें अमित के लिए सिक्सटी फोर सिक्स हंड्रेड अनिल के लिए फिफ्टी नाइन एट हंड्रेड और बैलेंसिंग फिगर भी यही रहेगा और ये बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाता है बच्चों न्यू फॉर्म में तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू न्यू फॉर्म अकाउंट बैलेंस एज इट इज यहाँ कॉपी कर लेते हैं अभी इसको न्यू फॉर्म में क्रेडिट साइड बाय कैपिटल अकाउंट करके और लास्ट में आपका न्यू फॉर्म क्या होना चाहिए बच्चों टैली और टैली फिगर है आपका वन लैख ट्वेंटी फोर फोर हंड्रेड तो बच्चों इस तरह से आपका अमित अकाउंट बंद हुआ अब इसी तरह से सुमित अकाउंट को बंद कर लेते हैं अब चलते हैं सुमित अकाउंट की तरफ सुमित अकाउंट में भी सेम रियलाइजेशन कैपिटल और न्यू फॉर्म ओल्ड बैलेंस शीट ले लेते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है ओल्ड बैलेंस शीट से पूरे एसेट्स को कॉपी करना है फ्रॉम फर्नीचर टिल बैंक एसेस रियलाइजेशन में डेबिट साइड हेडिंग याद रखे हमेशा टू सन्ड्री एसेट्स टोटल भी आपको देखो रेडीमेड दिया हुआ है टोटल टोटल का हेडेक नहीं है आपका फिर लाइबिलिटी साइड में कैपिटल है आपका सुमित सुनील का कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन और लाइबिलिटी यहाँ पे एक ही है फिफ्टी वन फाइव हंड्रेड क्रेडिटर की डायरेक्ट यहाँ बाहर लिख लेते हैं और सुमित में कोई लोन वगैरह का हेडेक नहीं था तो डायरेक्टली पी सी की एंट्री पास करते हैं पीसी कितना था वन फोर्टी एट थ्री हंड्रेड न्यू फॉर्म अकाउंट ए टू रियलाइजेशन अकाउंट अब रियलाइजेशन अकाउंट बंद कर लेते हैं इसका भी क्रेडिट साइड ही बढ़ा है आपका वन नाइनटी एट हंड्रेड इसको माइनस करेंगे वन लाख सिक्सटी सिक्स है तो आपका प्रॉफिट फिगर आया थर्टी थ्री एट हंड्रेड अगेन रेशो इन्फॉर्मेशन नहीं था तो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली इट कम्स टू सिक्सटी नाइन हंड्रेड इसको शिफ्ट करते हैं अभी कैपिटल के अंदर क्रेडिट साइड बाय रिलेशन अकाउंट देन अगेन यहाँ पे भी क्रेडिट साइड ही बड़ा है डेबिट में कुछ है ही नहीं यानी टोटल भी यही रहा आपका और बैलेंसिंग फिगर अभी आपका यही रहा ठीक है अब बैलेंसिंग फिगर शिफ्ट करते हैं न्यू फॉर्म अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट में आपको न्यू फॉर्म क्या करना है बच्चों टैली करना है टैली फिगर वन फोर्टी एट थ्री हंड्रेड तो इस तरह से आपने अमित का भी रिलेशन बनाया सुमित का भी रिलेशन अकाउंट बनाया अब हम चलते हैं हमारा न्यू बैलेंस शीट की तरफ न्यू बैलेंस शीट से पहले आपको क्या करना है वॉकिंग नोट बनाना है फॉर एडजस्टमेंट इन करंट अकाउंट फॉर्मेट बच्चों हमेशा याद रखो ये फॉर्मेट सब सारे सब में सेम ही है हाँ अगर करंट है तो करंट लिखें कैश है तो कैश लिखें और एक गुडविल रिटर्न ऑफ मैक्सिमम हर सब में है इसलिए फॉर्मेट में आप लिख ले ये सब में नहीं दिया तो आप बाद में डैश मार देना मगर बेसिकली आता ही है गुडविल रिटर्न ऑफ तो इसलिए फॉर्मेट में लिख के रखें तो आपके लिए एकदम बाय हार्ड हो जाएगा आपको तो सबसे पहले कैपिटल बैलेंस जो आपने ओल्ड फॉर्म में बनाया था न्यू फॉर्म अकाउंट का यहाँ ले लेते पहले तो ये जो कैपिटल बैलेंस आया था न्यू फॉर्म जो अकाउंट बनाए थे हमने ओल्ड बुक के अंदर तो वो कॉपी करेंगे सिक्सटी फोर फिफ्टी नाइन एटी नाइन और फिफ्टी नाइन आज इट इज़ यहाँ कॉपी कर लेते हैं गुडविल एट ऑन ऑफ नहीं दिया तो डैश मार दें और फिर आपका एडजस्टेड कैपिटल भी सेम ही रहेगा एज इट इज़ नीचे लिख दें न्यू कैपिटल लेना है न्यू कैपिटल आपको सब में दिया था दो लाख रुपया और दो लाख को आपको न्यू रेशियो में डिवाइड करना है न्यू रेशियो उन्होंने दिया था वन वन थ्री थ्री तो दो लाख को पहले आपको क्या करना है एट से डिवाइड करना है क्योंकि आप ओल्ड पूरा प्लस करेंगे रेशियो को थ्री प्लस थ्री सिक्स सेवन और एट तो एट से डिवाइड करें तो आपका आंसर है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड को सबके रेशो से मल्टीप्लाई कर दे अमित के लिए रेशो वन है ट्वेंटी फाइव इंटू वन फिर अनिल का भी रेशो वन है ट्वेंटी फाइव इंटू वन और सुमित का रेशो और सुनील का रेशो थ्री थ्री है तो आप ट्वेंटी फाइव थाउजेंड को थ्री थ्री से मल्टीप्लाई करें सेवेंटी फाइव और सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो अब ये इनको न्यू कैपिटल के सामने लिख देते हैं ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव सेवेंटी फाइव और सेवेंटी फाइव अब माइनस कर लेते हैं ये फिगर पॉजिटिव आ रहा है ये फिगर भी पॉजिटिव है ये फिगर भी पॉजिटिव है सुनील का फिगर नेगेटिव है इसको याद रखें नेगेटिव का मतलब है इसको हमने इतना पैसा ज़्यादा दे दिया है सुनील को तो पैसा ज़्यादा दिया है तो लेना है वहा तो जिससे पैसा लेना है वो एसेट्स और जिनको पैसा अभी तक दिया ही नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे लाइब्रेटी में ठीक है तो ये तीनों फिगर लाइब्रेटी में जाएंगे और ये सुनील का फिगर आपका एसेट्स में जाएगा ठीक है तो सबसे पहले तो कैपिटल कॉपी कर लेते हैं तो जो न्यू कैपिटल आया आपका ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव सेवेंटी फाइव कम्स टू टू लैक फिर आपका करंट अकाउंट का फिगर डालेंगे ये तीन लाइब्रिटी में अमित अनिल और सुमित तीनों का लाइब्रिलिटी लाइब्रिटी में लिखें और फिर सुनील भाई साहब एसेस में है तो इनको एसेस में लिखते हैं हेडिंग याद रखें करंट अकाउंट लिखना है आपको अब सारी एंट्रियां वर्किंग नोट से तो आ गई हैं आप तो क्या करते हैं पीसी को बुला लेते हैं तो पीसी में से सारे एसेस और लाइब्रिलिटी कॉपी कर लेते हैं अब ये आपका जो टोटल कॉलम है वो काम आएगा क्योंकि आपको टोटल कॉलम फिगर लिखना है फ्रॉम गुडविल टिल फर्नीचर ठीक है तो यहाँ पे एज इट इज कॉपी करें एक चीज ध्यान देना आपको डेटर के ऊपर ध्यान देना है क्योंकि डेटर 94,000 आप इनर कॉलम में लिखना है आपको उसके अंदर ये आर डी माइनस करके शो करना है बस इतना से फर्क है तो इसको ध्यान से लिखना है आपको डेटर के ऊपर ध्यान दें आप फिर एज इट इज तो दिख रहा है आपको सामने आप क्या करेंगे आप क्रेडिटर रह गया सेवेंटी वो भी कॉपी कर लेते हैं पीसी uh, हो गया है यानी अब बैलेंस शीट भी मुकम्मल हुई है तो आपका टैली फिगर आना चाहिए थ्री लैख सिक्सटी वन सिक्स हंड्रेड तो इस तरह से आपका ये सम भी मुकम्मल हुआ होप होप्स यहाँ तो कोई डाउट ना हो हमने आज लास्ट सम करना था क्वेश्चन नंबर नाइन वन से लेके नाइन पूरा वीडियो ऑर्डर वाइज चेक करें इंट्रोडक्शन के बाद आप ये सम करने आए तो आपके लिए सम आसानी होगी अब हम नया टॉपिक पीस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश करेंगे ऑलरेडी इसके दो तीन वीडियो पहले ही मैंने कभी बनाए थे आप उस चीज़ आगे कंटिन्यू करेंगे मगर आप कंटिन्यूशन में भी वापस इंट्रोडक्शन देखें, फिर आप सम में तो आसानी होगी तो ये एम एल कमीशन के लिए यही रूल है बच्चों इंट्रोडक्शन देखें वन टू थ्री वाइज सम देखें तो आपको चैप्टर इजीली और सम बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा होप सो यहाँ तक तो कोई डाउट ना हो जल्दी मिलते हैं थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गॉड ब्लेस यू